Into the pillow. No. A pillow now. No. Mama, there is good news and bad news. What's the good news? Jaimin ne hamare naye natak ka pehla scene likh dala. Great. So what's the bad news? वो दूसरा सीन लिखने वाला है। मामा, जैमिन का हाथ फ्रैक्चर हो गया। कैसे हुआ ये? किसी ने उसका नाटक पढ़ा और उसको पीट दिया। जैमिन पार्क में जॉगिंग करने गया था। हाँ, तो उसे हाथ के बल जॉगिंग नहीं करना चाहिए था ना? अच्छा पिंड्र बदन, अब क्या होगा रोसेश? उसका हाथ टूट गया है, वो नाटक कैसे लिखेगा? वही तो मामा, हमने नाटक की डेट्स भी ले रखे हैं। ओ, मैंने तो चैरिटी शो भी बुक कर दिया। ओ माया, स्टॉप फ्रेटिंग। मेरे पास दूसरा रास्ता है। क्या? तुम एक नया नाटक क्यों नहीं करती? कौन सा? बेडरूम का बादशाह बेराम। इट्स सो फनी डैडी जी। व्हाट्स सो फनी मोनिशा? ये नाटक साहिल, बेराम अपने बेडरूम में जाता है और देखता है कि उसकी बीवी उसके बेस्ट फ्रेंड की बाहों में है। तो कहता है, तूने मेरी बीवी को जितनी किस की है ना, उतने पैसे तुझे मुझे देने पड़ेंगे। तो दोस्त कहता है, अरे बाप रे, फिर तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा विड्रॉ करने, क्योंकि इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपए हैं। डैड, ये भी कोई नाटक है? नाटक में एक मैसेज होता है। है ना इसमें मैसेज? हाँ है ना मैसेज, कि बहनों, अपने पति के बेस्ट फ्रेंड के साथ अगर चक्कर चलाओ तो बेडरूम का दरवाजा जरूर लॉक कर लेना। ये मैसेज? तो चुप कर, ये कोई माया की समाज सेवा नहीं है, टाइम पास है यार, नाटक है। सांस लेना। और समाज सेवा के लिए है ना, नौकरों के दुख दर्द पे रोशनी डालता हुआ रोशेश भैया का नाटक, क्या नाम है? The Agony of Ramu, The Doom, Despair and Deliverance of the Domestic Servant. नाम अनाउंस करते करते इंटरवल हो जाए। डैडी जी इज राइट, आप यही नाटक कीजिए, बेडरूम का बादशाह बहराम। मरियम, मरियम ये क्या? हा? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड फिरोज की बाहों में क्या कर रही हो? ओ माय गॉड, ये फिरोज है? मैं तो समझी थी कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ डियर हस्बैंड। क्या तुम्हें पता तक नहीं चला कि तुम किसकी बाहों में हो? वो अंधेरे में ठीक से नजर नहीं आया ना डार्लिंग। क्या बकवास करती हो, अभी तो सुबह के 10 बजे हुए। पर मैं तो कल रात से इसकी बाहों में थी ना। ओह ये बात है, आई एम सो सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग डार्लिंग मरियम। क्या हो रहा है? अरे माया, वो जैमिन का नाटक अटक गया ना, तो मैंने तुम्हारे वो चैरिटी शो के लिए ये नाटक तैयार किया है। मेरे नाटक के बारे में सोचने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये नाटक मेरे मरने के बाद ही परफॉर्म करना, यानी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक अगर चैरिटी में तुम्हारा नाटक नहीं हुआ तो तुम तो, ओ माय गॉड, हाउ विल आई एवर बी एबल टू फेस दिस एंबैरेसमेंट, क्या क्या शर्म से ढेर नहीं हो जाओगी। इंद्रवदन, शो पोस्टपोन हो चुका है। क्या? नाटक होगा, हमारा ही नाटक होगा, जैमिन लेफ्ट हैंड से लिख रहा है। ओह माय गॉश, यानी पहले नाटक समझ में नहीं आता था, अब हैंडराइटिंग भी समझ में नहीं आएगी। वी शैल सी। नाउ इफ यू डोंट माइंड, मुझे इन्हें मोनिशा के पास ले जाना है। ये कौन है? ये अप्सरा है। आपको पक्का यकीन है कि ये अप्सरा है? इसका नाम अप्सरा है बेटा। तुम्हारे घर में फुल टाइम नौकर नहीं है ना, इसलिए आज से ये सारा कामकाज संभालेंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, फुल टाइम नौकर की क्या जरूरत है, विद्या भाई झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करने आती तो है रोज। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन के अलावा और भी काम होते हैं घर में बेटा। कौन से? जैसे कि डस्टिंग करना, जैसे घर को सजाना, जैसे चीजें ठीक ठाक रखना। सब कुछ ठीक ठाक तो है। हाँ वो कपड़े इधर उधर है, कुशन बीच में रह गया, वो चप्पल बीच में पड़े हुए थे, किचन थोड़ा अस्त व्यस्त है, लेकिन बाकी सब तो ठीक है ना मम्मी जी। ओके बेटा, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा घर है, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती। रियली? आप से सारा कामकाज समझा देना। हाँ बेटा। अरे लेकिन मामी जी, टेक केयर, बाय। मामा, जैमिन ने नाटक का एक डायलॉग लिख डाला। ओह थैंक गॉड, एक डायलॉग लिख डाला, यानी अब तो फटाफट वो बाकी का नाटक लिख लेगा 25-1 साल में। नहीं, यू आर सो फनी इंद्रवदन।
तुम डेली सोप में वैम्प की एक्टिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि वैम्प का रोल कॉमिक नहीं होता माया। इसका मतलब है तुमने डेली सोप गौर से देखा ही नहीं है। अरे हाँ रोसेश डार्लिंग, मुझे आज गरीबी हटाओ सेंटर के एनुअल लंच में जाना है। कहाँ पर मामा? वही गोल्डन चेंबर्स में, सीधा साधा बुफे है। सीधा साधा बुफे, 865 रुपीस पर हेड एंड टैक्सेस एक्स्ट्रा। लेकिन माया मेरे लंच का क्या? आज राधा भाई और विठल एनुअल मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं। तुम्हारा खाना वहां बना के रखा है, खुद परोस लेना। मैं मर्द हूँ। इसकी कंप्लेंट तुम्हें अपने मम्मी डैडी से करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मामा यू आर सो फनी। मामा समझा। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। ओके काम डाउन, क्या हुआ? अप्सरा। अरे क्या हुआ अप्सरा, क्यों रो रही हो बाबा? माया ये तुम्हें बाबा लगती है। ओ इंदु प्लीज शट अप, मुझे मदद करो। अच्छा अच्छा भाई क्यों रो रही हो? माया ने तुम्हें मारा या फिर रोसेश ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की? डैडी जी इसे हिंदी नहीं आती। ओ तो फिर कौन सी भाषा आती है तुम्हें अप्सरा? वाह वाह क्या बात है, वो भी हिंदी में पूछ रही है। ओह शट्स। अरे भाई तू कशाला रड़ते है, मराठी में क्यों बोल रहे हो? अरे क्योंकि वो अपनी राधा भाई और विठल महाराष्ट्रियन है ना। तो जरूरी तो नहीं कि इसे मराठी आती हो। आई मीन फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में हम लोग सब हाई सोसाइटी है, लेकिन मोनिशा तो मिडिल क्लास है ना। डोंट माइंड बेटा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तुम्हें कौन सी भाषा समझ में आती है अप्सरा? मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, बंगाली, बंगाली भाषा आती है। हाँ आमी तुम्हारे भालो बाशी। ये तो और जोर से रोने लगी। डैडी जी आमी तो माँ के भालोबाशी का मतलब होता है आई लव यू। ओह माय गॉड भाई आमी तुम्हारे के कभी भालोबाशी ना। वैसे मुझे थोड़ी बंगाली आती है। मैं पूछूं। पूछो ना, इंतजार क्या कर रही हो? क्यों हो जे तुम्हारे कान चुके ना? आमी जी चाकर काश कर बोला ये ग्रामीण होती थी ऐसे अभिनेत्री होती थी। अच्छा अच्छा क्या अच्छा अच्छा कर रहे हो? इसकी बात समझ में आई तुम्हें? नहीं। प्लीज कीप क्वाइट। मोनिशा क्या कह रही है ये बेटा? ये घर काम नहीं करना चाहती। ओह गॉड, इस पर इतना जल्दी तुम्हारा रंग चढ़ गया। मम्मी जी ये गांव से एक्ट्रेस बनने के लिए आई है। एक्ट्रेस? तो दे दो ना अप्सरा को रोल रोसेश के प्ले में। Don't be silly, Hindu. एक्टिंग करना मजाक नहीं है। अच्छा रोशेश तो खुलेआम करता है। भाई यू डोंट लाफ, आप ही डैड को एनकरेज करते रहते हैं। ओके आई एम सॉरी, लेकिन मॉम आपको अप्सरा को एनकरेजमेंट देनी चाहिए। हाँ। उसकी एक ऑडिशन ले लो, हो सकता है वो अच्छी हो। वो सिर्फ बंगाली बोलती है डार्लिंग, और हमारा नाटक इंग्लिश में है। नौकरों के दुख दर्द पर नाटक हो रहा है वो भी इंग्लिश में। यानी डायलॉग्स कुछ ऐसे होंगे। ओ माय फेयर लेडी व्हेन शैल थाउ गिव मी अ वेकेशन, आई थाई हम्बल सर्वेंट आस्क दी इन अर्नेस्ट। हम लोग विलियम शेक्सपियर के नौकर पर नाटक नहीं कर रहे हैं इंदु, हम लोग हिंदुस्तानी नौकरों पर नाटक कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तानी नौकरों का दुख दर्द सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, इंग्लैंड, अमेरिका, एवरीवेयर। दैट्स व्हाई इन इंग्लिश। पहले अपने घर के नौकरों का दुख दर्द तो समझो माया। Don't be so melodramatic, Indravadhan. It's so middle class. Mama, Jaimin ne Narak ka first half likh diya hai. Padh ke sunao. Nahi, pehle uski copies banwa lo. Vithal, Vithal. Arre zara zor se chillao na. Vithal. Aha ha ha. Vithal, Vithal, Vithal. Arre bhajan kar rahi ho kya? Vithal. Aaya sab. Ise kehte hain bulana. Wow. इंद्रवदन तुम भांडी बर्तन वाले का काम क्यों नहीं कर लेते? मामा ये सब फनी। विठल वो राधा भाई से कहना अगर दाल हिलाने की जरूरत पड़े ना तो रोसेश को ले जाए चमचा। विठल हेलो अजिंक्य, हाय मैं माया बोल रही हूँ, माया सारा भाई। जस्ट वन मिनट अजिंक्य, एक सेकंड प्लीज।
विठल ये स्क्रिप्ट ले लो और इसकी 6 कॉपीज बनवा लो सुपर डिलक्स पेपर पर। हाँ, स्क्रिप्ट कैसी भी हो पेपर बढ़िया होना चाहिए। अजिंक्य, हाँ हम लोग अपने नए नाटक का एक छोटा सा रीडिंग कर रहे हैं घर पे विद कॉकटेल्स, तुम क्यों नहीं आ जाते? हाँ, वुडंट दैट बी अ गुड आइडिया? फिर तुम अपने इंडिया टाइम्स के 8 पेज पर इसका एक एक्सक्लूसिव प्रीव्यू भी लिख सकते हो। ऑफ कोर्स। ओके। सारा